अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं रत्नधातमं। सभी को सादर नमस्ते दोस्तों। आज की इस वीडियो के बाद जीसस भारत आए या नहीं, इस विषय पर ईसाइयों को बहुत मार पड़ने वाली है। उससे पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि द एक्स रेटेड बाइबल के विषय में, कि बाइबल में किस प्रकार से मानवता को शर्मशार कर देने वाली अश्लीलता भरी हुई कहानियां उपस्थित हैं, उपलब्ध हैं, जो या तो किसी ने मिलाई है, और यदि नहीं मिलाई तो ये अत्यंत ही दोषपूर्ण है, अत्यंत मानवता को शर्मनाक करने वाली चीजें हैं। जहां धर्म के नाम पर ये कुकर्म में कतई शोभा नहीं देते, इनको तुरंत हटाना चाहिए। मैंने सीधा बाइबल से प्रमाण दिए थे आपके समक्ष, हिंदी इंग्लिश दोनों में। आप मेरी पिछली वीडियो देख लेना। जो पुस्तक मैंने एक्स रेटेड बाइबल जो बताई थी, जो बाइबल नहीं पढ़ सकते, मैंने तो उससे तथ्य नहीं दिए थे, जो बाइबल नहीं पढ़ सकते वो सीधा उस पुस्तक को पढ़ लेना। सबसे जो पहला कमेंट है पिन करके, उस कमेंट में आपको वो पुस्तक की पीडीएफ मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर लेना। आज का विषय क्या है, मैंने एक वीडियो पहले बताया था, बनाया था इस विषय पर कि जीसस के विषय में तीन अवधारणाएं हैं। पहली है जीसस हुए ही नहीं, कोई व्यक्ति हुआ ही नहीं। इस विषय पर कुछ लोगों ने तीन चार समकालीन इतिहासकारों का नाम बताया है कि इन इन लोगों ने जो समकालीन थे उस समय पर इन्होंने जीसस के विषय में कहा है। और आपको तथ्य और प्रमाण में अंतर करना नहीं आता। यदि जीसस इन ईसाइयों के हजारों साल पहले के सारे एंसेस्टर को जीवित कर देना अपनी तरह और मेरे सामने ले आए, तो दशकों तक इनको मेरे आठ प्रमाण और उन प्रमाणों की परिभाषा समझ में नहीं आएगी। इनको पता नहीं है अभी हमारे यहां की इतिहास को ठीक गलत है, उसमें मिलावट और उसमें सत्यता को दूर करने के लिए कितनी गहन जांच पड़ताल की कसौटियां हैं, आठ आठ है। ये हमें बताएंगे इतिहास के विषय में। उनके तीनों चारों जो इतिहासकार हैं उनकी पोल पट्टी कल उधेड़ूंगा। अब तक तो मैं ठीक है, मैं कह देता था चलो जीसस नाम का कोई व्यक्ति हुआ है तो वो भारत आया है, लेकिन अब तो इनको ये शंका कर हो जाएगी कल के बाद। और निष्पक्षता से गलत तथ्य नहीं देता कभी भी, जो ठीक चीजें हैं, जो सबके सामने उपस्थित है, जिनका कोई जवाब नहीं दे रहा, केवल उनको जानबूझकर गलत कह रहे हैं पक्षपात में, तो ऐसे तथ्य आपको दूंगा जो निष्पक्ष है, पता चलेगा जीसस से मिथिकल है या रियलिटी है। इस विषय पर कल आएंगे, उन सारे इतिहासकारों की जांच पड़ताल होगी। आज का विषय क्या है, जीसस भारत में आए। मैंने वीडियो में अनेकों तथ्य दिए थे, द अननोन लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट। बाद में मैंने एक पुस्तक भी आपको डाउनलोड करने के लिए दी, उस पुस्तक से इतर मैंने अनेकों प्रमाण दिए। हमारी बात को तो ये कह देते झूठ है, मतलब मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू, अच्छी चीज गप कर जाओ, बुरी चीज जो अपने अनुकूल नहीं उसको फेंक दो, थूक दो उसको, ये ऐसे है। तो इस वीडियो में इनको पता चलेगा कि यदि ये अब भी ये नकारेंगे कि जीसस भारत नहीं आया, निकोलस नोटोविच को तो कह दिया, उसने पैसे ले करके गलत बात लिख दी थी, बाद में उसने स्वीकार की, बहुत टॉर्चर किया उस व्यक्ति को। और ये जो इनके मैक्समुलर आदिया से 100 साल पहले निकोलस नोटोविच, कितने दिन हो गए पुस्तक लिखे, आज तक कोई पुस्तक में उसका विरोध में कोई पुस्तक नहीं आई निकल करके, आज तक कोई पुस्तक नहीं आई उस पुस्तक के विरोध में। होता क्या है, जवाब में पुस्तक निकलती थी, ये ईसाई हो, सनातन धर्मी हो, आर्य हो या मुस्लिम हो, ये उस काल में होता था कि यदि कोई अवधारणा लेकर के पुस्तक आई उसके विरोध में, उसको जवाब देने के लिए, अपनी चीज को डिफेंड करने के लिए एक पुस्तक निकल के आती थी। निकोलस नोटोविच के विरुद्ध कोई पुस्तक निकल के नहीं आई आज तक, और अनेकों अन्य प्रमाण दिए, उसे सिद्ध हो रहा है कि जीसस भारत आया था। लेकिन कुछ लोग कुतर्क करके, अपने लोगों को बहला फुसला करके, इधर उधर से कॉपी पेस्ट चीजें ला ला करके सहानुभूति गेन करते हैं और उनके दिमाग में ठूस देते हैं। अब वो भी मान लेते हैं क्योंकि उनके भी संस्कार बन गए ना, वो कुएं के मेंढक है ना, लेकिन आज उनको समुद्र का दिग्दर्शन मैं करवाऊंगा, समुद्र का, कुएं के मेंढक नहीं रहना। जीसस भारत आए थे, मेरे पिछले वीडियो देख लेना। आज की वीडियो में छोटा सा विषय लेकर के आया हूं, केवल कि जीसस भारत आए थे इस विषय पर और कहां कहां साक्षियां हैं। सबसे बड़ी साक्षियां उपलब्ध होगी आपको, 70 के दशक में न्यू एज रिलीजन क्रिश्चियन से क्रिस्टाइन लोगों ने बनाया, लाखों करोड़ों लोग पूरे संसार में न्यू एज रिलीजन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्रिश्चियन छोड़ छोड़ के क्रिश्चियनिटी को क्रिशाइन बन रहे हैं और न्यू एज रिलीजन में जा रहे हैं। उनका एक ग्रंथ है जो 1908-09 में आया था, उस ग्रंथ का नाम है द एक्वेरियन गोस्पेल ऑफ जीसस द क्राइस्ट।
उसको इन्होंने 70 के दशक में एडॉप्ट किया। उसमें क्या है कि जो ज्ञान है, जो रिकॉर्ड्स यहोवा के पास है, अंतः साक्षी बाइबल में है, यहोवा रिकॉर्ड रखता है, तो जो रिकॉर्ड है यहोवा के पास, क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उन रिकॉर्ड्स से ही एक पुस्तक लिखी गई। उसका नाम है द एक्वेरियन गॉस्पेल ऑफ जीसस द क्राइस्ट। आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगी, पहले कमेंट में मिल जाएगी पुस्तक। ये पुस्तक सीधा यहोवा की जो रिकॉर्ड्स है वहां से, जो उसके गॉड्स रिमेम्बरेंस, जो उसके दिमाग में रिमेम्बर में उसकी जो स्मृति है, उस स्मृति में जो ज्ञान है यहोवा खुदा की, वो सीधा का सीधा ऐसे ही लिख दिया है, उसमें फेरबदल नहीं की गई है। तो यहोवा की जो स्मृति की पुस्तक उपलब्ध है, उस पुस्तक के 21वें चैप्टर का 19 और 20वां वचन आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें ठीक ठीक चीज क्या है। 19वां वचन आप पढ़िए, और ये एक्वेरियन एज की पुस्तक, एक्वेरियन एज की जो लिपि है ना, वो बाइबल उसी लिपि में लिखी गई है, और ये एक्वेरियन एज की ही बातें कर रही है पुस्तक। लाखों करोड़ों क्रिश्चियन है इस दुनिया में, यदि इस पुस्तक के तथ्य को आप झुठलाओगे तो एक्वेरियन एज की जो लिपि के आधार पर बाइबल लिखी हुई है, उस बाइबल को झुठला देना फिर। और जो यहोवा के पास ज्ञान है, वो ज्ञान इस पुस्तक में ऐसे का ऐसे लिख दिया गया, वो ज्ञान आज तक किसी में नहीं लिखा। यहोवा के पास जो ज्ञान है, उसका जो रिकॉर्ड्स है, वो बाइबल में तो नहीं लिखा गया, बाइबल तो अन्य अनेक लेखकों ने लिखी है। तो यहोवा का ज्ञान आज तक नहीं आया था, वो पहली बार आया द एक्वेरियन एज ऑफ जीसस द क्राइस्ट। ये यहोवा की जो स्मृति में ज्ञान था, वो यहां पर इसमें ऐसे कैसे लिखा गया है, आज तक नहीं आया था। तो ये लोग बाइबल को नहीं मानते हैं, न्यू एज रिलीजन वाले, ये सीधा इसको मानते हैं, क्योंकि ये क्या है, आकाशिक रिकॉर्ड है, आकाशिक रिकॉर्ड अर्थात गॉड्स रिमेम्बरेंस, यहोवा की स्मृति में जो रिकॉर्ड है, जो तथ्य है, जो बातें हैं, वो सीधा का सीधा ऐसे कैसे है, ये आज तक नहीं आया था। तो ये बाइबल को नहीं मानते, इसको मानते हैं। अब इसमें 19वां और 20वां वचन देखना, चैप्टर 21 का क्या लिखा है, यहोवा के ज्ञान में क्या लिखा है, एंड जीसस वॉज एक्सेप्टेड एज ए प्यूपिल इन द टेम्पल जगन्नाथ एंड हेयर लर्न द वेदास एंड मेनी क्लास द ब्राह्मिक मास्टर्स वंडर्ड एट द क्लियर कंसेप्शन ऑफ द चाइल्ड एंड ऑफन वर अमेज्ड व्हेन ही एक्सप्लेन टू देम द मीनिंग ऑफ द लॉज। इस पूरे 21वें चैप्टर को आप पढ़ेंगे, पता चलेगा कैसे कैसे वो इसराइल आदि से होते हुए, सिंध आदि होते हुए, उड़ीसा आदि के वो आए, घूमे यहां पर, और वैदिक आदि जो शास्त्रों का उन्होंने ज्ञान अर्जित किया। जब वो इस ज्ञान को वहां पर बांटने के लिए गए, तो वहां पर उनके साथ कुछ ना कुछ गलत घटनाएं हुई। ये धर्म जो ईसाइयत है, ये जीसस का चलाया हुआ नहीं है, ये उनके बाद में स्वार्थी लोगों का अपना चलाया हुआ है, ऐसी मेरी मान्यता है। वो मान्यता आप भूल जाइए, वो आप छोड़िए, आप इस पर आइए, इसमें जो ये चीजें लिखी हुई है, इसको यदि आप नकारते हो, तो यूरोप में जो एक्वेरियन एज वाले हैं, जो न्यू एज रिलीजन वाले हैं, वो तुम्हारी वो धुनाई करेंगे जो तुम भूल नहीं पाओगे, यदि इस ग्रंथ की बात को आप नकारते हो। और बाइबल न्यू एज रिलीजन जो एक्वेरियन एज थी, उस एक्वेरियन एज की लिपि के आधार पर बाइबल है, और ये पुस्तक एक्वेरियन एज के ज्ञान की बातें कर रही है। कैसे नकार पाओगे, समझ में नहीं आएगा आपको। अब तक जितने प्रमाण दिए थे, वो सारे प्रमाण को तो झूठा सिद्ध कर नहीं पाए, कुतर्क करते हो अपने लोगों की सहानुभूति अर्जित करने के लिए, कुतर्क करना आता है, इससे ज्यादा नहीं। अब इस पुस्तक को द एक्वेरियन गॉस्पेल ऑफ जीसस द क्राइस्ट, इसको झूठला के दिखाना, आकाशिक रिकॉर्ड सीधा ऐसे कैसे, आकाशिक, आकाश शब्द भी हमारे यहां से लिया गया है, आकाशिक रिकॉर्ड से ये चीजें इन लोगों ने अपनाई है। इनकी जो ध्यान आदि करने की परंपरा है, इनमें जो यज्ञ आदि करने की परंपरा न्यू एज रिलीजन वालों में, वो कॉपी पेस्ट है, सनातन धर्म जैसी ही, आप देख लेना। इससे पता चलता है कि यहां वैदिक जो मंत्र है, वैदिक धर्म का उसने, जीसस ने स्वाध्याय किया था, उसी के अनुसार आज न्यू एज रिलीजन वाले हवन यज्ञ भी करते हैं, राशियों को भी मानते हैं चक्र के अनुसार, और अन्य कर्मकांड भी सनातन धर्म की तरह करते हैं। और ये ईसाई ही है, ये भी जीसस को मानते हैं, ये भी यहोवा को मानते हैं, कोई ये कहे ये यहोवा को नहीं मानते, जीसस को नहीं मानते, ये भी चमत्कारी ही मानते हैं उसको, क्योंकि इतना लंबा काल हो गया, पाखंड और ढोंग तो है ही, विशुद्ध थोड़ी मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद ये मैं बता रहा हूं कि यहां पर तथ्य आपके समक्ष है, सबके समक्ष है, निष्पक्ष व्यक्ति क्यों नहीं मानते इसको। विदेशों में तो वेस्टर्न कंट्री में लाखों करोड़ों लोग न्यू एज रिलीजन में जा रहे हैं, निष्पक्ष व्यक्ति क्रिश्चियनिटी को छोड़ रहे हैं। इस क्रिश्चियनिटी के चमत्कारों ने, इस बाइबल ने 20-22% यूरोप वासियों को नास्तिक बना दिया है। तो अब कब सुधरोगे, जब संसार में मारकाट और ज्यादा मच जाएगी, जैसा बाइबल में बताया गया है, तब सुधरोगे क्या।
अपने बच्चों को सुख शांति की ओर मोड़िए, समाज और राष्ट्रों को वसुधैव कुटुंबकम के विषय में बताइए, अयम निज परो वेहि गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, इस वैदिक शिक्षा को लेकर के आगे बढ़िए। बहुत सारे भाइयों ने कहा राहुल भाई आपका नाम और चेहरा लेकर आजकल बहुत सारे दुकान खोलकर बैठ गए, पोंगे पंथी वाले गुरु घंटालो वाले भी लगे हुए हैं, इस्लाम वाले भी लगे हुए हैं, ईसाइयत वाले भी लगे हुए हैं, अन्य बहुत सारे लगे हुए हैं, तो लगे रहने दीजिए भाई। हाथी चला मस्त चीटिया हुई पस्त, फिर से बताता हूं समझाने के लिए, शेर चला शिकार कुत्ते भोके हजार, लगे रहने दीजिए भाई। इनके पूर्वजों से यही तो सीखा है इन लोगों ने, इनके एंसेस्टर्स से, जैसे हमारे पूर्वजों का नाम और ज्ञान इस्तेमाल करके अपने नाम चमकाए थे, आज हमारा नाम और ज्ञान इस्तेमाल करके अपना नाम चमका रहे, क्या अंतर है भाई? लगे रहने दीजिए बेचारों को, कुछ गलत थोड़ी कर रहे भाई, जो इनके पूर्वजों ने किया वही तो कर रहे हैं। अब पूर्वजों की छोड़िए, इनकी बाइबल कहती भाई ये बात, इनकी बाइबल कहती, आप चिंता मत करिए। अब बेचारे बाइबल को मानते हैं तो उसकी शिक्षा को तो मानेंगे। रोमियो हिंदी में आप पढ़ेंगे न्यू टेस्टामेंट, रोमियो इंग्लिश में पढ़ेंगे रोमन्स, न्यू टेस्टामेंट में पुस्तक है, न्यू टेस्टामेंट में उसका तीसरा अध्याय सातवां वचन पढ़ेंगे, पता चलेगा कि पोप क्या कहते हैं, वो पोल क्या कहते हैं। पोल कहते हैं कि अपनी यदि मिथ्या बात से ईश्वर की जो सत्य पूर्णता है वो और अधिक उजागर होती है, हमारे झूठ बोलने से यदि ईश्वर की जो वाणी है उसकी सत्य पूर्णता और अधिक उजागर होती है तो इसमें क्या त्रुटि है। मतलब झूठ बोलो ईश्वर का काम करने के लिए, होवा खुदा का बाइबल का काम करो, उसमें झूठ बोल सकते हो, खुली छूट है। तो भाई ये झूठ बोल करके यदि प्रचार प्रसार करे तो करने दीजिए ना, इनके पूर्वजों ने ऐसे ही तो किया था। अब इनकी तो सीधी शिक्षा है कि यदि भी किसी व्यक्ति को झूठा सिद्ध करना है तो क्या करना है, कोई तर्क कोई तथ्य कोई प्रमाण नहीं देने हैं, बस झूठे दो चार इधर उधर से बनाओ और उनको लपेट दो, उन तथ्यों प्रमाणों को झूठों को दे दो, बाकी क्या करना आपको, वो तो झूठा है वो तो झूठा है वो तो झूठा है। कई महीने कई साल ऐसे ही लगे रहिए, लोगों के संस्कार बन जाएंगे, वो संस्कार समझते हो, कोई बात बार बार रिपीट हो सुनते चले जाए कर्म में आए तो उसको कहते संस्कार। इसीलिए गुरु घंटालो वाले चेले चपाटे, ये इस्लाम ईसाइयत वाले चेले चपाटे धर्म को मानने वाले, ये इतने कट्टर हो जाते हैं अपने, बार बार दिमाग में वही चीज घूमेंगी ना, अब वही चीज घूमेंगी तो वही चीज रह जाएंगी, अब कुएं के मेंढक बन जाएंगे, समुद्र अथाह समुद्र के विषय में उनको पता ही नहीं चलेगा। हम दिग्दर्शन करवाएंगे इस समुद्र का, चिंता मत करना हम करवाएंगे, लेकिन फिर भी एक शिक्षा के तौर पर दे रहा हूं। अब मोदी को गाली देंगे तो ज्यादा लोग देखेंगे पता चलेगा हाँ, अब किसी छोटे मोटे ऐरे गहरे एमएलए एमपी को गाली देंगे कौन पूछेगा, अब राहुल आर्य का नाम आएगा, राहुल आर्य की चमकती दमकती फोटो आएगी तो चेहरे पर ओज तेज बात में पौरुष वजन है तो उसको लोग देखेंगे, उसको तो देखेंगे लोग। तो ऐसे लोगों को फ्री में सलाह दे देता हूं कि यहां अश्वगंधा होता है हमारे यहां आयुर्वेद में, बहुत जबरदस्त चीज है, कोई साइड इफेक्ट नहीं, बहुत जबरदस्त औषधि है, हमें तो आवश्यकता नहीं है, जिसको आवश्यकता उनके लिए कहता हूं। चेहरे पर रौनक आ जाएगी, शरीर में बल बढ़ जाएगा, हमारा नाम सुन करके पैर नहीं कांपेंगे, बीपी लो नहीं होगा, आपकी आवाज में पौरुष बढ़ जाएगा, मर्दानगी आ जाएगी, और भी बहुत सारे इसके लाभ हैं, फायदे हैं, इसको जरूर अपनाएं, तभी हमारे सामने आप टिक सकते हैं। दोस्तों आपने वीडियो देखी, बहुत बहुत आभार है, भविष्य में इसी प्रकार से वीडियोस आती रहेंगी। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर ले ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंचते रहे, सबसे पहले पहुंचते रहे। वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें। धन्यवाद, जय श्री राम, नमस्ते।